हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्रत में खाने वाले खीर की रेसिपी। लेकिन इस खीर को लोग व्रत में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो चलिए हम झटपट से स्टार्ट करते हैं इस व्रत में खाने वाली खीर की रेसिपी को। इस खीर को बनाने के लिए मैंने लिया है लगभग 3/4 के करीब साबूदाना। अब इस साबूदाने को हम अच्छे से देख करके साफ कर लेंगे कि इसमें कुछ गंदगी ना हो, कुछ हो नहीं, उसे सफाई कर लेंगे और इसे हम पानी डाल करके अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसमें जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च है, जो भी है, उसे हमें इसे धो करके अच्छे से निकाल लेना है। तो इसे हमें 2 से 3 पानी से बिल्कुल अच्छे से इसको साफ कर लेना है, धो लेना है, इसे क्लीन कर लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें साबूदाने को अच्छे से धो लेना है। साबूदाने को धोने के बाद इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच पानी मैं छोड़ दूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा साबूदाना जो है वो थोड़ा सा फूल जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, हमारा साबूदाना 15 से 20 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आप कोई बर्तन लेंगे जिसमें हमें साबूदाने की खीर बनानी है। मैंने एक पैन लिया है, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच घी ऐड किया है। आप चाहें तो घी नहीं डालना हो तो आप इसको घी से ग्रीस कर सकते हैं। ग्रीस करने से ये होगा कि हमारा जो साबूदाना है वो इसके नीचे चिपकेगा नहीं, और हम साबूदाना को लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको फ्राई भी कर लेंगे अच्छे से। इससे क्या होगा कि साबूदाना का जो टेस्ट है वो बिल्कुल डबल हो जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें साबूदाना को डालते हुए अच्छे से इसे हमें 1 से 1.5 मिनट तक या 2 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। डेढ़ से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और हम इसमें ऐड करेंगे अपना मिल्क। मैंने लगभग 1 लीटर दूध लिया है, आप चाहें तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसे अच्छे से हमें पकाना है। इस खीर को बनने में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, तो हमारा फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। अगर हम फ्लेम को तेज करेंगे तो हमारी खीर जो है वो नीचे से चिपक सकती है, जल सकती है। तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर इसे हमें चलाते हुए अच्छे से पकाना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें चलाते हुए इसे पकाना है। इसकी लीड लगा के इसे हम धीरे धीरे से पकाएंगे। फ्लेम हमारा लो ही रहेगा, लो फ्लेम पे ही इसे हमें पकाना है। बीच बीच में हमें इसे लगातार स्टर करते रहना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक सकते हैं। वापस से हमें इसमें लीड लगा करके इसे ढकते हुए पकाना है। इस खीर को पकाते हुए हमें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको इसके एक दाने को निकाल करके चेक करेंगे कि ये अंदर से पका है या नहीं। इसे अपनी उंगलियों पे लेके, अपने हाथ पे लेके हमें प्रेस करना है, प्रेस करके चेक करना है। ये देखिए, ये सफ़ेद दिख रहा है, मतलब अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है। अब इसे लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए लगभग हमें और पकाना है। जब हमारा साबूदाना आधा पक जाए तो इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। जितना हमने साबूदाना ऐड किया था उतना ही हमें चीनी भी ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। अब इसे मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम 10 से 12 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। हमें इस खीर को पकाते हुए लगभग 10 से 12 मिनट और हो चुके हैं, तो हमारा खीर जो है लगभग बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप इस स्टेज पे भी खीर को खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा रिच बनाना चाहते हैं तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने किशमिश ऐड किया है, थोड़े से बारीक कटे हुए काजू। आप चाहें तो इन ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। जी हाँ, इसे हम हल्का सा घी में रोस्ट करके भी इसमें डाल सकते हैं, इससे स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसे हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि हमने जो ड्राई फ्रूट डाला है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए।
और ये देखिए हमारी जो साबूदाने की खीर है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद उसे हम अच्छे से ठंडा करेंगे। ऊपर से हम थोड़े से काजू, किशमिश और बादाम से इसे अच्छे से गार्निश कर लेंगे। ये देखिए हमारा खीर जो है बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए।